हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 सितंबर से और 30 सितंबर तक हमारा पोषण माह चला हुआ है, और इसके अंतर्गत दोस्तों प्रतिदिन कोई ना कोई गतिविधि आपको अपने केंद्र पर आयोजित करनी है होती है, और उसकी फीडिंग आपको पोषण अभियान का जो पोर्टल है वहाँ पर करनी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर की फीडिंग आपको कैसे करनी है, क्या आपका थीम रहेगा, क्या आपका गतिविधि रहेगी, पूरी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं अपने गतिविधि कैलेंडर की ओर। जो विभाग की ओर से हमें गतिविधि कैलेंडर जारी किया गया है उसके अंतर्गत दोस्तों हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गतिविधि दी गई है दूसरे सप्ताह के अंतर्गत। क्योंकि दोस्तों पहला सप्ताह हमारा 2 सितंबर से और 7 सितंबर तक था। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर अवधि लिखी हुई है और यहाँ पर लिखा है प्रथम सप्ताह 2 सितंबर 2024 से 7 सितंबर 2024 तक। तो ये दोस्तों हमारा कम्प्लीट हो गया है। अब दोस्तों हमारा दूसरा सप्ताह चला हुआ है जो हमारा 9 सितंबर 2024 से 14 सितंबर 2024 तक चलेगा। और इसके बाद दोस्तों आप यहीं पे नीचे देखोगे एक मेन पॉइंट है, यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा तीसरा द्वितीय तृतीय सप्ताह 13 सितंबर 2024 से 21 सितंबर 2024 तक। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा द्वितीय सप्ताह है ये हमारा, इसमें हमें डबल थीम दी गई है और गतिविधि भी इसमें हमारी ज़्यादा हैं। ये दोस्तों यहाँ पर दो थीम पर हमें गतिविधि आयोजित करनी है, दो थीम पर ही हमें अपनी फीडिंग को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम देखते हैं कि क्या क्या थीम दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप थीम देख पा रहे होंगे हमारे दूसरे सप्ताह के अंतर्गत, यहाँ पर लिखा है बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, और नीचे लिखा है दोस्तों पोषण भी पढ़ाई भी। दोस्तों ये दोनों थीम और इनके अंतर्गत जो भी गतिविधि हैं इनको हमें दूसरे सब जो पहली थीम है हमारी बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, ये दोस्तों हमें केवल दूसरे सप्ताह में आयोजित करनी है, और ये नीचे है पोषण भी पढ़ाई भी, ये हमें दूसरे और तीसरे दोनों सप्ताह के अंतर्गत गतिविधि आयोजित करनी है। तो पहले दोस्तों मैं आपको पहले जो हमारी थीम है बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत आई गई जितनी भी गतिविधि हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहली है दोस्तों यहाँ पर पोषण ट्रैकर में बुनियादी ढांचे का अद्यतन पर्यवेक्षक द्वारा। दूसरी है दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण के दौरान वृद्धि निगरानी पर्यवेक्षक द्वारा। तीसरी है दोस्तों यहाँ पर पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी मोबाइल अद्यतीकरण। और चौथी है दोस्तों यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के वजन वृद्धि, गर्भकालीन वजन वृद्धि के लिए मापन अभियान और पोषण ट्रैकर में डाटा एंट्री। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी ये बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत गतिविधि। अब दूसरी है दोस्तों पोषण भी पढ़ाई की भी के अंतर्गत, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है दोस्तों जो पहला है शिक्षा चौपाल, विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों में ECCE लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी है दोस्तों यहाँ पर खिलौना आधारित और खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुदाय केंद्रित खेलों और पढ़ो कार्यक्रम। तीसरी है दोस्तों यहाँ पर स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए खेल आधारित शिक्षा पर बच्चों और अभिभावकों के लिए प्रदर्शन सत्र गतिविधि DIY स्वदेशी खिलौना मेला। और नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टॉयथिन आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ DIY स्वदेशी खिलौना बनाने की कार्यशाला। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल तत्परता गतिविधि वयस्कता का जश्न मनाना, आंगनवाड़ी केंद्रों में प्री स्कूल के लिए तैयार होना। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पर इस थीम के अंतर्गत लक्ष्य आयु के बच्चों के लिए खेल दिवस। तो दोस्तों दोनों थीम मैंने आपको बता दी हैं, दोनों के अंतर्गत जो जो गतिविधि हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, आपको पूरी जानकारी हो गई होगी। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने पोषण अभियान का जो हमारा पोर्टल है कि उस पर कैसे फीडिंग करनी है, कैसे कैसे थीम को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। आप सभी लोग जानते हैं क्रोम ब्राउज़र पर फीडिंग बड़ी बेहतर तरीके से होती है। तो दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है पोषण अभियान लिखकर दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देना है, और आपके सामने यहाँ पर सबसे पहले ही वेबसाइट ओपन हो जाएगी पोषण अभियान, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पोषण अभियान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, आपको इन पर क्लिक करना है।
जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन आ जाएंगे, डैशबोर्ड, गैलरी और डाटा एंट्री। आपको यहाँ पर डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये डाटा एंट्री लॉगिन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने जो CDPO हैं, सुपरवाइजर हैं या फिर अन्य आपके कार्यालय में जो भी हैं उनसे संपर्क कीजिए, आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स फॉर्म ओपन हो चुका है, अब हमें इसको फिल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन है हमारे सामने यहाँ पर ग्रुप। ग्रुप में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक पहले से फीड है पोषण माह, तो हमें इसको नहीं छेड़ना है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों यहाँ पर थीम। थीम दोस्तों मैंने आपको अभी दो थीम आपको बताई थी मैंने कि क्या क्या हमारी थीम रहेगी। तो पहली है दोस्तों यहाँ पर टेक्नोलॉजी फॉर बेटर गवर्नेंस, और दूसरी है दोस्तों यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी। तो दोस्तों ये थीम हमारी दूसरे सप्ताह रहेंगी और इन्हीं की फिटिंग आपको करनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र में दोस्तों पहले से फीड है, यहाँ पर हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लेवल, आप किस लेवल से फिटिंग कर रहे हैं आपको उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अगर आप ब्लॉक लेवल से फिटिंग कर रहे हैं तो ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे, और आप एक आंगनवाड़ी केंद्र लेवल से फिटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर AWC को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट AWC का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आपका केंद्र है उसकी सूची आपके यहाँ पर आपके सामने खुल जाएगी, यहाँ से आप अपने केंद्र को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है सिलेक्ट एक्टिविटी। एक्टिविटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पोषण भी पढ़ाई भी से संबंधित जितनी भी आपकी एक्टिविटी हुई यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहली जो एक्टिविटी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, शिक्षा चौपाल एक्सक्लूसिव टू प्रमोट ECCE लर्निंग कॉर्नर्स एट आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और ऐसे दोस्तों आप इस एक बार हम इसको सेलेक्ट करेंगे, दूसरी बार में हम दूसरे नंबर की, तीसरी बार में तीसरे नंबर की, चौथी बार में चौथे नंबर की, और पांचवी बार में पांच नंबर की। क्योंकि दोस्तों एक दिन में आपको कम से कम 5 गतिविधि अपने केंद्र पर आयोजित करनी होगी और उन्हीं की फिटिंग आपको यहाँ पर करनी होगी। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, आज 10 तारीख है। और उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स डिटेल्स। तो दोस्तों गतिविधि के दौरान जितने भी लाभार्थी आपके यहाँ पर केंद्र पर गतिविधि में आयोजित उपस्थित होंगे उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। और डालने के बाद दोस्तों हम नीचे जाएंगे, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको अपलोड पिक्चर। तो दोस्तों जो भी गतिविधि आपने आयोजित की होगी उसका फ़ोटो आपने ज़रूर खींचा होगा, उसको ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी फ़ोटो गैलरी ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप अपने उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा फ़ोटो आपका 2 MB से कम का होना चाहिए, अगर आपका फ़ोटो 2 MB से ज़्यादा का है तो यहाँ पर वो अपलोड नहीं होगा। दोस्तों अगर आप अपने फ़ोटो का साइज़ कम करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पर वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि फ़ोटो का साइज़ कैसे कम कर सकते हैं मात्र 30 सेकेंड में। तो दोस्तों फोटो अपलोड के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको जो भी गतिविधि आपने आयोजित की है उससे रिलेटेड आप कोई भी 2 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा सक्सेसफुली सबमिटेड। तो दोस्तों एक गतिविधि मैंने आपको फीड करके दिखा दी है, और ऐसे ही आपको प्रतिदिन 5 गतिविधि अपने केंद्र पर आयोजित करके उनकी फिटिंग ऐसे ही करनी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर करें जिससे वह भी अपनी गतिविधि को कंप्लीट कर सके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।